हम अपनी गाड़ी से भी उतर सकते हैं। और यहाँ पे टाइगर बैठा था, मतलब यहाँ से हम लोग बाइक लेके आने वाले थे। हमारे गाइड और आशीष जी आगे चेक करने गए हैं कुछ जंगल के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर पिकनिक मनाने जा रहे हैं चटाई लेके। सो आई जस्ट नोटिस्ड कि हमारा लंच यहाँ सर्व हो रहा है और यहाँ पे एक लंच ऑलरेडी सर्व हो चुका है बहुत पहले। ये एक टाइगर का किल है। गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम नेपाल, एक्चुअली सेकेंड, मतलब फर्स्ट तो कल हो ही गया। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा दैट वी हैव रीच्ड नेपाल बर्दिया नेशनल पार्क, और हमारे पीछे जो जगह है दैट इज़ बर्दिया नेशनल पार्क, एंड दिस इज़ द सफारी व्हीकल दैट वील बी गोइंग इन। इसुजू डी मैक्स है। सो पहली बार इस गाड़ी में मैं सफारी करूँगा। सो या लेट अस स्टार्ट, बिकॉज गेट पे एंट्री का टाइम हो चुका है। सो जल्दी से स्टार्ट करके आगे की बातें गाड़ी से करते हैं। सो दिस इज बर्दिया गेट, मतलब सफारी पॉइंट पे अब हम पहुंच चुके हैं। या वी विल बी द फर्स्ट व्हीकल टू एंटर, इनफैक्ट जस्ट पेपर फॉर वर्क और फॉर्मेलिटीज करके जल्दी से हम राइड स्टार्ट करेंगे। सो वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज हमारे ड्राइवर और गाइड साहब पेपर वर्क करा रहे हैं, और माहौल ठीक ही है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जो मैलानी और दुधवा और किशनपुर में हमने देखी वहाँ बहुत ठंड थी, यहाँ काफ़ी कंपैरेटिवली उससे कम है, आई डोंट नो ऐसा क्यों। और किस्मत की बात है, दिन साफ है, सुबह बादल गरज रहे थे और लाइटनिंग हो रही थी, बिजली गिर रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो हमें थोड़ा सा तो डर लगा, सोचा आज का ट्रिप गया, बट इट्स क्लियर नाउ। सो बर्दिया फॉर यू। आशीष भाई बिजी हैं हमारे इंतज़ाम में, निखिल भाई रेडी टू शूट बिग कैट्स, राइनोज, एलिफेंट्स। क्या चाहिए निखिल तुम्हें आज? सबसे पहले तो एक चाहिए अच्छी सी टाइगर की पिक्चर, भला आज और कुछ ना मिले। अच्छा, एक पिक्चर मिल जाए टाइगर की, उसके बाद क्या चाहिए? फिर अब भूख बढ़ती जाती है। अच्छा, खाने के। ठीक है, चलिए हमारे ड्राइवर साहब आ गए। सो स्टार्टेड ऑफ विद द फर्स्ट सफारी इन नेपाल, फर्स्ट सफारी इन बर्दिया, एंड वेरी एक्साइटेड। With a total area of about 960 square kilometers, Bardia is the biggest lowland national park of Nepal. और पड़ोस के बाकी नेशनल पार्क के साथ मिलके ये बन जाता है लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, which is massive. Coming into existence as Royal Bardia National Park, this park was established in 1988. तो सामने एक वाटर क्रॉसिंग है और काफ़ी स्टीप और स्टिकी है, मतलब मिट्टी वहाँ पे काफ़ी गीली है। सो ड्राइवर देखने गए थे कि वहाँ से गाड़ी जा सकती है कि नहीं। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है, और ये है यहाँ का सबसे बड़ा ग्रासलैंड, और यहाँ पे नदी जा रही है, पहाड़ी नदी, मतलब पत्थर भी हैं उसमें। सो पूरा पहाड़ी नदी का फील वो दे रहा है, और एकदम मतलब कहीं कहीं पे जिम कॉर्बेट ढिकाला वाला फील आ रहा है। साल के घने जंगल जो कि मोस्टली सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, अलॉन्ग विद वास्ट ग्रासलैंड्स और बहुत सारे रिवरीन फॉरेस्ट से बनता है ये नेशनल पार्क। अलॉन्ग विद मोर देन 400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यू स्टैंड अ चांस टू साइट वन हॉर्न राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बारासिंघा और बहुत सारी स्मॉलर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स। सो
एक बर्ड की फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ बैठे थे, अचानक डियर की कॉलिंग शुरू हुई एंड वी आर यू नो एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप सो वी आर गोइंग देयर। तो सुबह सुबह काफ़ी एडवेंचर हो गया, मतलब कॉल चल रही थी चीतल की, प्रोबेबल टाइगर था, हो भी सकता है अभी भी बिकॉज एंड अचानक सब उतर के भागने लगे एंड आई रियलाइज कि हम लोग नेपाल में हैं, सो हेयर वॉकिंग सफारीज आर ऑल्सो अलाउड और हम अपनी गाड़ी से भी उतर सकते हैं। हाउएवर गाइड्स और ड्राइवर्स हैं जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, उनके गाइडेंस में ही हम ये सब कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। अगर आपने जंगल से रिलेटेड मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो यू माइट बी नोइंग दैट सिर्फ टाइगर साइटिंग से ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है जंगल का सुंदर होना और ओवरऑल एक्सपीरियंस, और बर्दिया नेशनल पार्क हर उस बॉक्स में टिक करता है और उस क्लास में आके खड़ा हो गया है जहाँ जिम कॉर्बेट, दुधवा और कान्हा नेशनल पार्क मेरे लिए आते हैं। So we have just seen tiger pug marks, वो पीछे जा रहे हैं और हमारे गाइड उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट कब हुआ है, क्या हुआ है, मेल है या फीमेल है, कितनी देर पहले हुआ है। ऑलराइट, सो बज गए लगभग 9 और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें सफारी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जंगल बहुत ही सुंदर है जस्ट लाइक दुधवा, बट ज़्यादा हिंट यहाँ पे जिम कॉर्बेट का आता है बिकॉज नदी भी है, सो जो पहाड़ी नदियों के जो पत्थर होते हैं ना उनसे इन्होंने पूरा रोड बनाया है, सो जिम कॉर्बेट का बहुत फील आ रहा है बिकॉज नदी भी साथ साथ चल रही है, ऊँचा नीचा भी है और साल के जंगल हैं ऑफकोर्स। एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट स्टॉप ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक मचान है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और एक वाटर बॉडी भी है, थोड़ा बहुत चेक है, मतलब आसपास सर्वे भी कर लेंगे कुछ वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है क्या, एंड देन वील कंटिन्यू। वैसे कमाल की बात है, मैं अपनी राइडिंग बूट्स में सफारी कर रहा हूँ बिकॉज शूज़ नहीं लाया अलग से, लिमिटेड ही स्पेस था पैनियर्स में तो कैमरा एंड ऑल दैट ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। क्या आशीष भाई आज ब्रेकफास्ट में अपने पास? ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड टोस्ट है और ऑमलेट है। नाइस, ऑमलेट काफ़ी बड़ा दिख रहा है, उसके अंदर भी ब्रेड। अच्छा और ब्लैक टी है साथ में। ओके, चाय वैसे एक्सपेक्ट नहीं की थी पर अच्छी बात है, मज़ा आएगा चाय पीने में। हाँ भी निखिल, मज़ा आ रहा है, निखिल फुल एंजॉय कर रहा है बाय द वे, और हम लोग यहां टाइगर का ब्रेकफास्ट के साथ साथ, हो सकता है टाइगर हमें मचान से दिख जाए। दिस इज लमकोली ग्रासलैंड एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ बर्दिया नेशनल पार्क। ओके, और ये उसका यहां 2 मचान है, ये सीमेंटेड मचान है, दूसरा वुडन मचान है। एंड वो ग्रासलैंड से जो हम क्रॉस किए थे वो भी वो वुडन मचान था ना, उसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये इस अभी इसका बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, वहां पे है एक वुडन मचान, वहां पे है ये सीमेंटेड मचान है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन इंटायर बर्दिया। चलिए लीजिए चाय वगैरह। सर्दियों के दिनों में साल के जंगलों से छनती हुई धूप इंडियंस को उनके फेवरेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट की याद दिलाएंगे यहाँ, और लैंडस्केप में इतनी वेरिएशंस हैं कि आप यहाँ कभी बोर नहीं होंगे। बात करें वाइल्ड लाइफ की तो प्रेजेंस हर जगह ही है,
टाइगर के ना जाने कितने फुटप्रिंट्स यानी कि पग मार्क्स हमने आज सुबह देखे। कई जगह फ्रेश टाइगर स्कैट भी था, बट इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें टाइगर या कोई और बिग कैट या एलिफेंट या राइनो या बारहसिंगाज दिख जाते। सो सफारी करते करते हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे। सो दिस इज़ द मेन रोड जो बर्दिया नेशनल पार्क आपको लाती है। अगर हम अपने आशीष भाई के साथ वो अंदर से बाइक सफारी करते हुए नहीं आते तो हम इसी रोड से बर्दिया आते। और ये वही रोड है जो आपने बहुत बार कई व्लॉग्स में देखा होगा कि रोड पे टाइगर है या बाइक्स को अकेले नहीं जाने देते, ओनली ग्रुप्स में जाने देते हैं। ये वही रोड है और वापसी हम लोग मोस्टली यहीं से करेंगे। सो ये हमारे सामने टाइगर के बैठने के निशान हैं और पग मार्क्स भी बहुत सारे हैं जहाँ आशीष जी पॉइंट कर रहे हैं। और ये जगह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टू योर सरप्राइज हार्डली 30 फुट रोड के अंदर है। और ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक ट्रक आया और यहाँ पे टाइगर बैठा था, मतलब यहाँ से हम लोग बाइक लेके आने वाले थे। रोड के दूसरी साइड का जंगल काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड था और सफारी ट्रैक्स के ऊपर उगी हुई वेजिटेशन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीजन में शायद यहाँ गाड़ियाँ आई ही नहीं। खैर हमारे लिए ये पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग, एडवेंचरस और मज़ेदार था, क्योंकि हर जगह ही टाइगर की प्रेजेंस थी और इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो हमारे सामने आ जाता। सो ये है हमारा एडवेंचर, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ में हमारा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर है जो हम लोग कल से कर रहे हैं। नेपाल और बर्दिया जैसा सोचा था वैसा ही आउटकम हमें मिल रहा है। जितनी हिम्मत है उतना एडवेंचर आप यहाँ कर सकते हो। सो कुछ ऐसा एडवेंचर चल रहा है और ऐसे घने जंगल में हम लोग के ये रोड ब्लॉक्स हमें मिलते ही जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रीज एट्सेट्रा। और जब भी ऐसा कुछ होता है ड्राइवर और गाइड उतर के उसको हटाते हैं। ये वाला खासकर ज़्यादा बड़ा और बीच में जड़ें भी हैं एक्चुअली। और आसपास का जंगल देखिए, हाँ जी निखिल जी मज़ा आ रहा है। टाइगर एलिफेंट दोनों चले हुए हैं। हाँ टाइगर हमारे आगे आगे चल रहा है, बस अब पीछे पीछे जा रहे हैं। यही सब है, कभी वाटर पॉइंट पर रुक जाते हैं, कभी यहाँ रोड पे लकड़ी पड़ी होती है वो हटाने रुक जाते हैं। अभी एक नाला नीचे बह रहा था उसमें टाइगर के तो यहाँ हर जगह ही पग मार्क्स है, मतलब टाइगर तो हर जगह, इंसानों से हर टाइगर के मौजूदगी के निशान हैं। और एलिफेंट्स के बहुत सारे पग मार्क्स थे उस नाले में, बिकॉज पानी पीने और यू नो मूवमेंट करने के लिए ज़रूर आते होंगे। सॉफ्ट अर्थ है तो उनका मूवमेंट ईजिली हो जाता है अगर पानी नहीं है वहाँ पर। तो ये तो कोई रिवर बेड है ना, यहाँ से कैसे जाएंगे? तो ये है एक्सपीरियंस बर्दिया का। फिलहाल मैं उतरा हुआ हूँ बिकॉज़ हमारे गाइड और आशीष जी आगे चेक करने गए हैं कुछ ऑन फुट। और अभी अभी बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला,
मैं इनसे पूछने वाला था कि आपके यहाँ इतनी सारी डियर स्पीशीज़ हैं, सांभर नहीं है क्या? बट जैसे ही ये सवाल आया दिमाग में, सामने दो बड़े मेल सांभर लड़ते हुए देखे, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके आए हैं, वो दिखाता हूँ मैं अब आपको। सफारी कर रहे हैं रोड पे, जो मेन रोड है बर्दिया का, और आप सोच सकते हैं कि कितना इंटेंस है। जब सफारी हम रोड पे कर रहे हैं तो कम्यूटर्स का सोचिए क्या क्या उनको दिखता होगा। दोनों साइड पे जंगल है, हम लोग अभी ये साइड एक्सप्लोर करके आ रहे हैं जो लेसर एक्सप्लोर्ड साइड है, और बाइक से हमें यहीं से आना। बहुत बहुत सारे जैसे स्पॉटेड डियर तो हर जगह ही है यहाँ पे, और पग मार्क्स यहाँ पे हमें चलते चलते साथ में मिल जा रहे हैं, और एलिफेंट डंग बहुत जगह पड़ा हुआ है, एलिफेंट फुटप्रिंट्स हैं। सो काफ़ी इंटेंस है ये जगह। दर्शन नहीं हुए हैं, बाकी और छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ दिख रही है। फिलहाल हम लोग एक वाटर पॉइंट पे जा रहे हैं, उसके बाद ये मचान पे आएंगे और फिर हम लोग अपना लंच करेंगे कुछ टाइम में, देन फिर से स्टार्ट करेंगे सफारी। हालत ख़राब हो चुकी है, भूख लग रही है, कमर टूट गई है, थक गए हैं, नींद आ रही है, बस एक ही डिज़ायर है जो आगे ले जा रही है कि हमें कोई बिग कैट देखनी है, या एलिफेंट्स या राइनोस। वैसे बता रहे इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है देखना, बट आज किस्मत थोड़ी सी सख्त है। लेट्स सी कितनी देर ये सब रहता है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें दर्शन हो जाए महाराज के, हो सकता है लंच के बाद। सो यहाँ रुके हैं अभी लंच के लिए, हम लोग ऊपर टावर पे नहीं जा रहे, यहीं पे पेड़ की छांव में ही लंच करेंगे, और दोपहर हो चुकी है। यूजुअली ये टाइम जो जंगल का होता है ना, वो हमें देखने को कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग बाहर होते हैं, बिकॉज सफारीज मॉर्निंग और इवनिंग दो ही टाइम होती हैं। सो अभी सीन बहुत चेंज हो चुका है, वो देखिए झुंड हैं हिरनों के जो आराम से बैठे हैं, और कई जगह हमने देखे पेड़ों की छांव में आराम से बैठे हैं। इट सीम्स लाइक इनके बीच में कोई पैक्ट है, जैसे कि कोई भी प्रेडेटर दोपहर को हमला नहीं करेगा। जैसे हमारे पुणे में शॉप्स बंद हो जाती ना, 1 से 4 सब बंद, वैसे यहाँ पे हिसाब किताब है। और बहुत बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर ग्रासलैंड है, अमेजिंग फीलिंग है। एंड बस अभी लंच किया जाए इस अमेजिंग सी सेटिंग में, और फिर निकलेंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस। और ये फूल देखिए, सेमल है शायद, सेमल का ट्री है, पूरा लाल। ये देखिए हमारे निखिल जी जंगल के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर पिकनिक मनाने जा रहे हैं,
चटाई लेके लंच वो ला रहा है भाई, बता रहे वहाँ किनारा है, मतलब देयर इज अ रिवर देयर, वहाँ पे किनारे पे टाइगर दिखता है, सो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ये है मेरी लाइफ का सबसे एडवेंचरस लंच। आई होप ये अच्छा खासा एडवेंचर हो, और मे बी हमें रिवर साइड पे कोई बिग कैट या एलिफेंट्स दिख जाएं। पॉइंट पे हम लोग गाड़ी या बाइक के साथ नहीं। सो आई जस्ट नोटिस्ड कि हमारा लंच यहाँ सर्व हो रहा है, और यहाँ पे एक लंच ऑलरेडी सर्व हो चुका है बहुत पहले। ये एक टाइगर का किल है, शायद चीतल रहा होगा, बिकॉज पीछे नदी के किनारे पे चीतल के एंटलर्स हैं। सो यस, इट इज़ एडवेंचरस मैन। ये शायद हिप बोन है, जॉज। ऑलराइट, लंच डन, एंड थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अभी भाई लोग तो वेट ही कर रहे हैं, बट मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, मैं वहाँ रेस्ट करूँगा और कैमराज वगैरह भी चार्ज करूँगा, एंड देन वील मूव। ये कोई विंटेज लैंड रोवर टाइप में आए थे, सो ये सब भी चलता है यहाँ पे नेपाल में। फॉरेनर्स थे बट बहुत ही विंटेज सी गाड़ी थी। आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग टू ड्राइव दिस इन जंगल, कभी भी बंद पड़ सकती है, इतनी पुरानी है। सो वेट हमारा अभी भी चल रहा है टाइगर के लिए। भाई लोग बैठे हैं रिवर के साइड में, और मैं गाड़ी की तरफ आ गया था थोड़ा रेस्ट लेने। काफ़ी देर देखता रहा इस पेड़ को, सेमल का पेड़ है, और इसके ऊपर इतनी सारी यू नो बर्ड लाइफ है ना, पैराकीट्स हैं, ओरियोल्स आ रही हैं, और वाइट आइज हैं, और अलग अलग तरह के किंगफिशर्स हैं, कितनी कितनी सारी, एटलीस्ट 10 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अभी इस ट्री पे हैं। सो ये है एक्चुअली फन वाइल्ड लाइफ, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग टाइगर्स के पीछे भागते रहें। सो ओके, टाइगर्स के पीछे भी हम लोग जाते हैं, बिकॉज हम जैसे लोग जो ज़्यादा जंगल में घूमते हैं, नॉर्मल और जनरल वाइल्ड लाइफ देखते ही रहते हैं, बट स्टिल फॉर मी व्हेन एवर आई एम ऑन अ यू नो राइड टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई मेक श्योर कि मैं ये सब कभी मिस ना करूँ, बिकॉज ये भी एक्चुअल फन है जंगल का। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। कलर्स जंगल के देखिए इस वक्त इतने सुंदर हैं, पीले हरे पत्ते, यू नो लाल भी हैं, और ये जो बीच बीच में फूल आते हैं, हिरन घूम रहे हैं आसपास, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आई होप कि अब जल्दी ही, बिकॉज लाइट अब धीरे धीरे कम होती जाएगी, सो इट्स गोल्डन लाइट नाउ, सो मे बी वी कैन कैच सम एक्शन, और मैं आपको लोगों को भी दिखाऊं, खुद भी एंजॉय करूं, उसके बाद फिर विल हेड टू होटल। बट आई थिंक वी स्टिल हैव एटलीस्ट 1.5 hours लेफ्ट, सो लेट्स सी व्हाट वी डू। वेल सो वी हैव रेज्यूम्ड अवर सफारी, और काफ़ी देर से घूम रहे हैं, मैं तो सो भी गया था इनफैक्ट, और ये देखिए पहाड़। सो बर्दिया नेशनल पार्क में हिल्स भी आते हैं, हम लोग जब रोड के उस साइड गए थे तो हिल्स के काफ़ी पास चले गए थे, बट ड्यू टू बिग ट्रीज हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाए थे, पर अब थोड़ा साफ हुआ दिन तो हमें यहाँ से भी हिल्स दिख रहे हैं, और वहाँ ऊपर बैठा एक वल्चर। वास्ट ग्रासलैंड है ये, यहाँ का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, और यहाँ पे डियर्स इतने हैं, ये देखिए पीछे झुंड के झुंड हैं, कम से कम 200 के और 100 के झुंड हैं, और हॉक डियर्स, स्वाम डियर्स,
और ये जो मैंने आपको दिखाया ये थे स्पॉटेड डियर, मेरे पीछे स्वाम डियर्स हैं बारहसिंगा यानी, और पीछे पूरा देखिए कितना अच्छा व्यू है हिल्स का। आई होप आप इस कैमरे में देख पा रहे होंगे, यस दिस इज़ द हिल रेंज, और ये आता है बर्दिया नेशनल पार्क के कोर एरिया में। तो नेपाल और बर्दिया नेशनल पार्क की सफारी का हमारा पहला दिन खत्म होने को है। हम जंगल से बाहर निकल रहे थे, हालांकि हमने काफ़ी बायोडायवर्सिटी आज देखी, लेकिन दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती है कि काश ग्रासलैंड्स में खड़ा एक राइनो दिख जाए, या रिवर क्रॉस करता हुआ एक टाइगर दिख जाए, या घने जंगल में हाथी दिख जाए। मन चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो जंगल और किस्मत को मंजूर होता है। खैर, हमेशा की तरह सफारी पे क्लिक किए हुए फोटोज मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो और बाकी कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, आप क्या बताना चाहते हैं कमेंट में वो लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। All right folks, back from the safari. So this has been a very very long day. आके गर्म पानी से नहाए, थोड़ा रिलैक्स किया, होलिया सुधारा, मतलब हालत ही ख़राब थी, एकदम जंगली हो गए थे। So today has been a very long day and one of the most adventurous wildlife trips that I have taken so far. और definitely life की सबसे लंबी सफारी तो ये थी। So लगभग 12 घंटे हम लोग जंगल में ही थे and मज़ा आया, मतलब लंच किया हमने टाइगर टेरिटरी में, थोड़ा स्केरी भी था। मीनवेल अब आ गए हैं और आशीष जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, निखिल भी अंदर है। सो वील जस्ट एंड द डे विद बॉनफायर ड्रिंक्स एंड डिनर। सो दैट्स इट। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग। सी यू सून। और अब ये बताइए, वॉकिंग सफारी में कभी ऐसा हुआ है कि, ऑफ कोर्स रूल तो ये है कि जब चार्ज कर दे एनिमल तो भागना नहीं है, ग्रुप में कोई ना कोई भाग गया हो? अब यही टीम वर्क होता है। अब अभी तक तो मेरी नॉलेज में तो ऐसे नहीं है कि अब जैसे हम लोग हैं तो उसमें कोई भाग गया हो, बट हाँ कुछ हो सकता है, कभी एक दो बार कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ हो, बट जनरली टीम वर्क, क्योंकि कभी भी हम लोग वॉक पे जाते हैं देन देर इज बिफोर द वॉक गेट्स स्टार्टेड देर इज सेशन कि वहाँ आपको समझाया जाता है कि व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, क्या आएगा तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट। डर आपके मन में डाल दिया जाता है कि अगर आपकी एक रॉन्ग हरकत आप करोगे तो उसका खामियाजा पूरा ग्रुप भुगतेगा, और जो बंदा पहले भागेगा टाइगर उसी को फॉलो करेगा।